नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटेक्स में। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडेक्स फंड के बारे में और एक्सचेंज ट्रेड फंड्स के बारे में, जिसे ETF कहते हैं, ये क्या होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये किनके लिए, ये क्यों करना है, ये किनके लिए सुटेबल है। तो अगर दोस्तों मान लीजिए कि ये सेंसेक्स है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? ये जो सेंसेक्स है ये भी एक इंडेक्स है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें 30 स्टॉक्स हैं। जो ये 30 स्टॉक है उनका जो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये इंडेक्स का प्राइस बढ़ता है घटता है। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं कि इंडेक्स फंड जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका गोल होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, तो सेंसेक्स अगर बढ़ेगा तो आपका भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, सेंसेक्स अगर घटेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटेगा। अब दोस्तों इसमें क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए? इसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट जो है 20 साल 25 साल में बहुत बढ़ गया। अब मार्केट वॉलेटाइल होता है, बीच बीच में घटता भी है। आप देखेंगे 2008 में मार्केट घटा है, 2011 में घटा, और अभी कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40-42 हजार से लेके 28 हजार तक आ गया, तो 27 हजार अभी जो है 31,000 पे है। ये तो घटते रहता है, रिस्की है, वॉलेटाइल है, ठीक है। बट आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में 20 साल 25 साल 30 साल में, तो जो इंडेक्स होता है या इक्विटी इंडेक्स है, ये शेयर मार्केट है, इसने आपके जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, FDs वगैरह, पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस, उससे जो है बेटर रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, बीच में कितने भी उतार चढ़ाव ये सब आने के बावजूद, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2000 में 5000 का जो है ये मार्केट था, ठीक है, और अभी देखेंगे गिरने के बाद भी ये 31,500 है, मतलब 6 गुना हो गया है, ठीक है, 6 गुना से ज्यादा। तो अगर दोस्तों किसी को मान लीजिए इन्वेस्ट करना है, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो सेंसेक्स में तो कर नहीं सकता क्योंकि उसमें 30 स्टॉक्स हैं, ठीक है। 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए और उस जिस प्रपोर्शन में जो शेयर्स हैं सबका अलग अलग वेटेज है, HDFC का ज़्यादा वेटेज है, दूसरे का कम है, तो उसी प्रपोर्शन में उसको ट्रैक कर पाना और बैलेंस कर पाना वो नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। और प्लस उसके लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए, प्लस उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट भी आपका होना चाहिए, तो ये लेमैन के लिए ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत पैसा भी लगेगा, टाइम एफर्ट एनर्जी तीनों लगने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगा देना है। जैसे आपको सेंसेक्स में पैसा लगाना है तो आपका सेंसेक्स वाला इंडेक्स फंड लीजिए, उसमें पैसा लगा दीजिए। आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। या सेंसेक्स का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है। अब कुछ फंड्स क्या होते हैं जो शेयर मार्केट में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, मतलब आपको बाय सेल करना है, वो इंडेक्स फंड के जैसे ही होते हैं, बट आपको ट्रेडिंग कहाँ करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि आपको शेयर ब्रोकर के पास जाके एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है और आप चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय सेल करूं और मुझे पैसा इसमें इंडेक्स फंड में है, तो आपको ETF में करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर आपको जैसे डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, ब्रोकर के पास नहीं जाना है, आपको नॉर्मली जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको करना है, तो आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जिनको इंडेक्स में पैसा लगाना है, इंडेक्स के जितना रिटर्न चाहिए, यहाँ पे गोल क्या है कि मुझे पैसा लगाना है उतना रिटर्न मिलना चाहिए, जो सेंसेक्स रिटर्न दे उतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आपका मेंटेलिटी ये है कि ना ज्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए, जो सेंसेक्स रिटर्न देगा उतना मिलना चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है इंडेक्स फंड का या ETF का, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए, लेकिन किसके लिए सुटेबल है ये, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे कि आप देखते हैं अगर मान लीजिए किसी ने दिसंबर में पैसा लगाया होता है यहाँ पे इंडेक्स फंड में, जैसे 1 फरवरी को 40 हजार था, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 31,500, मतलब सीधा आपको 2-3 महीने में 9 हजार का नुकसान, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो ये उनके लिए सुटेबल है जिनका गोल लंबा है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया किसको करना चाहिए और क्या गोल है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और वीडियो एंड तक देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 12 इंडेक्स फंड का कंपेरिजन दिखाऊंगा, 10 साल का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, इसके परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्यूएट करना चाहिए, इंडेक्स फंड ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 10 सालों में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इंडेक्स फंड क्या होता है, जो इंडेक्स में जो है पैसा लगाता है, ठीक है, इंडेक्स में जो शेयर्स है उस हिसाब से पैसा लगाता है, वो कॉपी कर लेता है पूरे इंडेक्स के, इंडेक्स में जो शेयर्स हैं, ठीक
ठीक है, और उस शेयर्स का इंडेक्स में कितना वेटेज है उस हिसाब से जो है पैसा लगाना है। ठीक है, अब ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ वो होता है इंडेक्स फंड के जैसा ही होता है, सिमिलर होता है, बट वो आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू। इंडेक्स फंड आप बाय कर सकते हैं जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वैसे। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको बताया वही बेसिक है। अब दोस्तों इंडेक्स फंड या ईटीएफ है, इसको पैसिव फंड कहते हैं। पैसिव फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको पता है सेंसेक्स का ईटीएफ है या इंडेक्स फंड है, तो सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स हैं उसमें ही पैसा लगाना है, चाहे वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है, उससे कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करके उसको उसी में ही पैसा लगाना है। क्योंकि गोल यहाँ पे है हमारा कि इंडेक्स के इतना रिटर्न जनरेट करना, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं है फंड मैनेजर को, इसीलिए उसको कहते हैं पैसिव फंड। अब दोस्तों जो दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर को मेहनत करना पड़ता है, अच्छे स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं और स्टॉक से निकलना पड़ता है, टाइम करना पड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं एक्टिव फंड्स, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत होता है। अब दोस्तों ये यहाँ पे बताया है कि डीमैट होना चाहिए ईटीएफ के लिए, इंडेक्स फंड के लिए डीमैट की जरूरत नहीं है। वो ईटीएफ जो होता है शेयर्स जैसे हम लोग बाय सेल करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। अब दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो आता है इंडेक्स फंड का, जो वो है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है एक्टिव फंड्स के मुकाबले। जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में आप जाते हैं तो एज पर सेविंग गाइडलाइंस मैक्सिमम 2.5% तक एक्सपेंस दे कैन चार्ज, टोटल एक्सपेंस रेशियो इट कैन बी मैक्सिमम 2.25%। ठीक है, अब दिस इज मैक्सिमम अमाउंट, दिस इज नॉट द ये मैक्सिमम लिमिट, अब इससे कम भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है असेट साइज, जो स्कीम है उसमें कितने असेट्स हैं, एयूएम कितना है। बट ये जो पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, उसमें मैक्सिमम लिमिट इज 1%। आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम, इसमें 1.25% का डिफरेंस है। बट एक्चुअली मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो इंडेक्स फंड होता है उसमें काफी कम होता है, ये तो मैक्सिमम लिमिट है। आप एक्चुअल में देखेंगे तो 0.4%, 0.35%, 0.5% इतना ही होता है, मतलब इससे भी कम होता है, ये तो मैक्सिमम लिमिट है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फीचर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गोल भी आपका वही है, आपको इंडेक्स जो देगा इंडेक्स के इतना ही आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे फंड मैनेजर को मेहनत कम करना पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे सेबी ने जो है एक्सपेंस रेशियो का लिमिट कम किया है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपको चांस है कि आपको ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि फंड मैनेजर मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट दिस इज नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखना है। ठीक है, तो अब दोस्तों चलिए देखते हैं कि इंडेक्स फंड या ईटीएफ ने उनका परफॉर्मेंस को कैसे हम इवेल्युएट करेंगे और 10 साल में किसने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों मैंने ये 12 इंडेक्स फंड लिए हैं, ठीक है, ईटीएफ भी लिए हैं, ठीक है, और इसके ये 10 साल के परफॉर्मेंस है, 2010 से लेके 2019 तक। ठीक है, 2020 का मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अभी तक 3 महीने ही हुए हैं, तो इसका एनुअल डेटा तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट 2020 में तो परफॉर्मेंस खराब है क्योंकि शेयर मार्केट डाउन है, इंडेक्स डाउन है, तो ऑब्वियसली इनका भी परफॉर्मेंस डाउन ही होगा। तो ये मैंने पूरे एनुअल डेटा लिया है, 2010 से लेके 2019 तक, ये 10 साल का डेटा है, और ये 12 म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं। अब दोस्तों मैंने ये 12 फंड्स लिया है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया है, ठीक है, जिस मुझे 10 साल का डेटा जिस फंड का था, इंडेक्स फंड का, वो मैंने ले लिया। अब ये जो इंडेक्स फंड है ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, ठीक है, ये जो इसका जो अंडरलाइंग है, जो इंडेक्स फंड का जो अंडरलाइंग, मतलब जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है, जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50। तो इसको अगर हमको कंपेयर करना है तो हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से। ठीक है, अब दोस्तों ये जो 12 म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स फंड है, बट वो मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसका मुझे 10 साल का डेटा नहीं मिला था। अब कोई फंड नया फंड है 2013 में लॉन्च हुआ, तो ठीक है भले वो इन सब से अच्छा है, लेकिन मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि मुझे 10 साल का डेटा को एनालाइज करना था इसके लिए। तो ये कोई बहुत ही अच्छे इंडेक्स फंड का लिस्ट नहीं है, हो सकता है इससे भी बेटर हो या इससे भी खराब हो। ठीक है, तो आप अपना जो है उसमें दिमाग लगाएं, देख लें कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। यहाँ पर्पज मेरा है 10 साल का डेटा को एनालाइज करना। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं, जैसे देख 2019 में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 13.48, और ये इंडेक्स फंड ने दिया है, ये ईटीएफ है,
13.79, 13.2, 13, किसी ने 12 दिया है, किसी ने 10 दिया है, ठीक है, किसी ने 13 12 दिया है। अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो कौन सा फंड अच्छा है? दोस्तों वो फंड अच्छा है जो जितना करीब है अपने बेंचमार्क के रिटर्न से, क्योंकि यहाँ पे पैसा क्यों लगा रहा है आदमी, आदमी पैसा लगा रहा है कि इसको सेंसेक्स के साथ चलना है, यहाँ पे निफ्टी 50 है ना, तो उसको निफ्टी 50 के साथ चलना है ना, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए ना कम चाहिए। तो जो फंड जितना नजदीक रिटर्न देगा बेंचमार्क निफ्टी 50 के नजदीक क्लोज, ठीक है, वो फंड ज्यादा अच्छा है। जो इससे ज्यादा देगा वो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर का माइंड सेट ये है कि डेविएशन कम होना चाहिए, डिफरेंस कम होना चाहिए गैप में, ठीक है। पर आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अब ये ट्रैकिंग एरर क्यों होता है? अब ट्रैकिंग एरर इसलिए होता है क्योंकि एक तो होता है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने, सपोज मान लीजिए कि 13.48% का रिटर्न दे दिया, बट इसमें उसके अपने एक्सपेंसेस भी तो हैं, जैसे हमने देखा मैक्सिमम 1% है, तो वो भी तो उसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। अब सेबी का गाइडलाइन है कि अगर आपको परफॉर्मेंस मैच करना है, बेंचमार्क करना है, तो वो टोटल एक्सपेंस रेशियो को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ही आपको सही पिक्चर पता चलेगा, मतलब वो ट्रैकिंग एरर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों वो एक्सपेंस को मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत हो जाता, मुझे आपको सिर्फ समझाना था इंडेक्स फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, कैसे इसको इवेल्यूएट करना है, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो इसमें ऐड कर देंगे तो शायद गैप और कम हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने पैसा लगाया, आपको यूनिट्स उसी दिन अलॉट हो जाते हैं, एनएवी आपको मिल जाती है उस जो एनएवी है, लेकिन वो पैसा सेम डे इन्वेस्ट नहीं होता, वो पैसा इन्वेस्ट होगा अगले दिन या उसके अगले दिन, ठीक है। तो उस समय हो सकता है कि जो प्राइस है शेयर का, क्लोजिंग प्राइस था जिसके बेसिस पे एनएवी कैलकुलेट हुआ, और जब एक्चुअल बाइंग हो रहा है उसका प्राइस अलग हो, जब एक्चुअल सेलिंग हो रहा है उसका प्राइस अलग हो, शेयर्स का चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर, जो निफ्टी बेंचमार्क के रिटर्न में और जो आपके इंडेक्स फंड या ईटीएफ के रिटर्न के बीच का जो डिफरेंस होता है उसका अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो उसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा फंड, ठीक है। तो अब इसी तरह देख सकते हैं पिछले सालों में, ये इसमें 18 में 4.64, यहाँ पे एवरेज, ये मैंने एवरेज रिटर्न निकाला है ये सारे फंड का, ये एवरेज रिटर्न, एवरेज को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, 1-2% का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 में निफ्टी 50 का रिटर्न नेगेटिव था, तो इनका भी रिटर्न नेगेटिव है, यहाँ पे 32% था, यहाँ पे भी 32 के आसपास ही है, यहाँ 8 था, मतलब यहाँ जहाँ जिस साल में कम रिटर्न दिया वहां पे ये भी कम कम दिया, जहाँ पे ये ज्यादा दिया वहां पे ज्यादा दिया, ठीक है। अगर ट्रैकिंग एरर को इग्नोर कर देंगे तो सिमिलर रिटर्न दिया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे गोल ही वही है कि बेंचमार्क के रिटर्न को जो है मीट करना, उसको बीट करना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, मैच करना, यही गोल है हमारा। अब दोस्तों 10 साल का अगर सीएजीआर देखेंगे, ये तो 1 साल का रिटर्न है, अब हमेशा आपको अगर रिटर्न देखना है तो आपको सीएजीआर देखना चाहिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ऑन एन एवरेज 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, मतलब एवरेज रिटर्न आप समझ सकते हैं, एनुअलाइज एवरेज एवरेज रिटर्न, ये है 99.7%, यहाँ पे 10.21%, तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं ये 1% का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, ये एवरेज रिटर्न मैंने लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको वो अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वो अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आपको वो फंड देखना है जहां पे ये गैप कम से कम हो, हर साल का आपको देखना है, ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो था इंडेक्स फंड ईटीएफ के बारे में, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्या डिफरेंस है, किनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।